अस्सलाम वालेकुम। आपने दिल्ली के बस स्टैंड पर छोले कुलचे तो ज़रूर खाए होंगे। कितने स्वादिष्ट और ज़बरदस्त होते हैं ये। वही कुलचे आज हम अपने घर में बनाएंगे और मटर भी। तो चलिए बनाते हैं ये स्वादिष्ट और परफेक्ट सी डिश। ये मैंने ले ली है आधा किलो मटर, जिसे मैंने 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये अच्छी तरीके से भीग गई है। अब हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। कुकर में मैंने मटर को डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और ये 1 पिंच है खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो डाल देंगे। और इसमें हम पानी डालेंगे कि हमारा मटर अच्छी तरीके से गल जाए। 4 से 5 सीटी हम इसे पकाएंगे कुकर में। ये मैंने ले लिया है मैदा। अब मैं इसमें डालूंगी जो चीजें वो आपको बता रही हूँ। ये है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और ये है सोडा, खाने वाला सोडा, वो है 1/2 टीस्पून। इसे डाल देंगे हम। ये है मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून। इसे डालने से टेस्ट अच्छा आता है हमारे कुलचे में। और लेंगे नमक। नमक इस मैदे के हिसाब से मैंने लिया है, आप अपने मैदे के हिसाब से लेना। इसमें डालेंगे शक्कर, अब डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून, ये रिफाइंड ऑयल है, इसे डाल देंगे। ये ले लिया है मैंने दही, ये 2 टेबलस्पून है। दही डालने से ये काफी सॉफ्ट बनते हैं। इसे डालकर अच्छी तरीके से मिलाइए। सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, फिर हम इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालकर इसे गूंथेंगे। आटा हमारा तैयार हो चुका है। मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से गूंदा है 10 मिनट तक। आप भी इसे गूंदें, और इसे जब ये हो जाए बिल्कुल तैयार, तो इसे मैं एक बर्तन में ट्रांसफर कर दूंगी इस तरीके से, और कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट पे रख देंगे। ये कुछ मसाले हैं जिसे हमें सूखे पीसने हैं, वो हम अपने छोलों में डालेंगे। ये है साबुत धनिया 1 चम्मच, सौंफ ये 1/2 चम्मच है, जीरा 1/2 चम्मच, और ये 3 ये मिर्चें तीखी वाली हैं, इसलिए मैंने कम ही ली है। इसे हम डाल के इस तरीके से पैन में डाल के सेक लेंगे, और मोटा मोटा ऐसा पाउडर जैसा बना लेंगे। इसे इस तरीके से सेक लीजिए और आप पाउडर बना लीजिए। मटर हमारी गल चुकी है, ये इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। अब हम इसमें जो मसाले डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। छोलों में हम अपने ये सारी चीजें मिलाएंगे। हरा धनिया इसे डाल दूंगी। आप छोलों में जितना टेस्ट डाल सके उतना डालिए, क्योंकि छोले कुलचे में सारी जान जो है इन मटर की होती है। डालेंगे हम प्याज, टमाटर, ये है इमली का पल्प, इसे डाल देंगे। मैंने लिया है हींग 1 चुटकी है ये, और डालेंगे चाट मसाला 1 चम्मच, काला नमक भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे डालिए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, मैंने इमली का पल्प डाला है, आप दोनों डाल सकते हैं। और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करिए। जितना चटपटा आप इसे बनाएंगे कुलचों से खाने में, उसे इतना ही मजा आएगा। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे वो जो पाउडर मसाला हमने पीसा था, ये मोटा वाला, वो भी डाल देंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट भी आता है बहुत अच्छा सा। इसे डालिए, खूब चलाइए। आपका शानदार सा छोला
जो दिल्ली के बस स्टैंड पर मिलता है वो तैयार है। इधर दूसरी तरफ हमने अपने आटे को चेक किया है, 2 घंटे इसे हो गए हैं। अब मैं इसमें 2-3 हाथ लगा रही हूँ ताकि और सॉफ्ट हो जाए, और फिर मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी, एकदम मीडियम साइज़ के। इस तरीके से राउंड पेड़े बना लेने हैं हमें। और इसे मैं, ये देखिए, तेल लगाकर हाथों में, मैंने इसके ऊपर काला तिल लगाया है और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर गार्निशिंग के लिए लगाया है। इससे कुलचे अच्छे दिखाई देते हैं। और तेल अपने हाथों में लगाकर मैंने इस तरीके से इसे बढ़ाया है। आप राउंड भी बना सकते हैं, इसे ओवल शेप भी दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है इसे। इस तरीके से हमें थोड़ा मोटा ही रखना है। अब मैं इसे फ्राई पैन में डालूँगी। ये देखिए, तवा हमारा गर्म हो चुका है, मैंने इसमें डाल दिए हैं कुलचे। अब थोड़ा सा पानी लेकर इसे साइड में डालेंगे और इसे कवर कर देंगे। इस पानी डालने की वजह से इसमें स्टीम बनेगी और हमारे कुलचे बनेंगे। कुछ सेकंड के बाद हमने इसे खोला है और ये देखा है, ये देखिए हमारे कुलचे फूलने लगे हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं चेक कर रही हूँ। अब मैं इसे पलटूँगी। ये देखिए, मैं इसे पलट रही हूँ। पलट कर हमें इसके चारों तरफ फिर से वही पानी के छींटे डालने हैं और इसे कवर करके हमें बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से छींटे मारकर आप इसे ढक कर फिर, ये देखिए कुलचे को मैं आपको पलट कर दिखा रही हूँ। बाज़ार से जो हम लाते हैं उसे इसी तरीके से हम दबा दबा कर सेकते हैं ताकि वो थोड़ा सा कलर आ जाए उसके ऊपर। और फिर अगर आप इसके ऊपर चाहे बटर लगाना चाहे या घी लगाना चाहे, आप उसके ऊपर डालकर उसे धीमी आंच पर एकदम सेकिए चारों तरफ से, ताकि उसके अंदर अच्छा सा कलर आ जाए और हमारे कुलचे अच्छी तरीके से सिक जाए। ये देखिए, मैं किस तरीके से दबा दबा कर सेक रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इसे दबा दबा कर आपको फुलाना है। ये फूलने लगा है। ये कुलचे हमारे तैयार हो गए हैं। इसे गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए। तो देखा आपने, हमारे छोले और कुलचे तैयार हो गए हैं गर्मा गर्म, बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त। बटर लगाकर आप इसको सर्व कीजिए और ज़रूर बनाइए, और अपना फीडबैक मुझे दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।